आप सब देख रहे हैं आपसी बातचीत। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ चुके हैं आपसी बातचीत में। आपसी बातचीत में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पर एजुकेशनल एंड एंट्रेंस एग्जाम वाली वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, तो आज मैं आप सबको मेरे चैनल पर्पस और मैं किस बेस पर वीडियोस बनाता हूं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहिएगा। वैसे तो मैं वीडियो स्टूडेंट के लिए बनाता हूं और खासकर 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब 9th, 10th, 11th, 12th में था तो मुझे जो गाइडलाइंस मिलनी थी या फिर मुझे जो मेंटर या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए था, वो चीज़ मुझे टाइम पे नहीं मिल पाया। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप सबको वो इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आप मेरे टाइम पे, मतलब इस टाइम पे मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं या फिर मुझे अपने कैरियर के लिए सोचना पड़ रहा है, तो इस चीज़ के लिए आपको कोई दिक्कत ना आए अपने फ्यूचर में। जैसे या फिर आप जैसे 12th पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि इस टाइम पे आपको कैरियर फिक्स करना है। तो आप समझ नहीं पाते कि किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको मैं ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करूँगा ताकि आप अपने फ्यूचर का या फिर कैरियर का प्लान सही तरीके से कर सकें। तो मेरा चैनल पर्पस यही है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करूं, साथ ही कौन कौन से ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, उन सब के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तो जिसके पास जितना ज़्यादा स्किल है वो उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। हम लोग पढ़ाई भी इसीलिए करते हैं ताकि हमें लास्ट में जॉब मिले। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ ऐसे ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में बताऊँ कि आप भी कुछ स्किल प्रूफ हो जाएं। साथ ही मैं सिर्फ 11th, 12th या फिर 9th, 10th के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी मैं कुछ कोर्सेज लाऊंगा या फिर ला चुका है। जैसे कि मैंने इसरो फ्री कोर्सेज के बारे में वीडियो बनाया था इससे पहले, तो आप अगर देखे नहीं हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन दिया गया है, आप जाके वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करने वाला था, तो वो क्या है, अब मैं आप सबके लिए एक स्पेशल सीरीज ला रहा हूँ जिसका नाम है कैरी न्यूज़, जिसमें आप सबको एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हर हफ्ते सैटरडे को मिलेगा। यानी कि हफ्ते के जितने भी न्यूज़ हैं एक बम्पर पैक में सैटरडे को मिलने वाला है। तो सैटरडे तो कल ही है, तो आप कल कैरी न्यूज़ देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये तो थी मेरी बातें, अब आते हैं आपके ऊपर। तो सबसे पहले हम जे एस्पिरेंट्स की ओर चलते हैं। तो जे एस्पिरेंट्स, आपके पास सिर्फ कुछ महीने या फिर 1.5 महीने रह गए हैं, तो आपकी तैयारी अब पूरी पक्की हो जानी चाहिए। अब आपके पास समय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। तो बाकी चीज़ें तो आपको सब पता ही होगा कि कैसा करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट आता है AILET 2021 पर। तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम। नेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी ने AILET 2021 एंट्रेंस एग्जाम की तारीख में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव आपके CBSE एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के कारण हुआ है। ये एग्जाम पहले 2 मई 2021 को होने वाला था, बट इसे बढ़ाकर 18 जून तक कर दिया गया है। और इसी कारण क्लैट 2021 यानी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट का भी डेट में चेंज हो चुका है और इसे भी 13 जून तक कराया जाएगा। तो ये थी कुछ आपकी और कुछ मेरी बातचीत, और आप देख रहे थे आपसी बातचीत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।